हेलो एवरीवन, होप एवरीवन डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन कर लेंगे। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखें, मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट सम्स क्विकली सॉल्व करा दूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर लास्ट मिनट रिवीजन ऑन द चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से बोर्ड्स में आपके 4 to 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 9 1/√x dx। सो वी नो दैट डियर स्टूडेंट्स, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज 2√x। तो 2√x लिमिट फ्रॉम 4 to 9, सो विच इज इक्वल टू 2, कॉन्स्टेंट हो गया आउटसाइड, रूट ऑफ एक्स फ्रॉम 4 to 9, सो 2 कांस्टेंट हो गया, √9 माइनस √4। वी नो दैट पहले अपर लिमिट डालते हैं, बाद में लोअर लिमिट डालते हैं। सो √9 माइनस √4, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट इज √9, दैट इज 3, व्हाट इज √4, दैट इज 2। सो वी गेट 2 टाइम्स 3 माइनस 2 1, सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। नाउ सेकंड सम, ऑल दीस सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हमने टोटल 7 सम्स लिए हैं, ऑल 7 सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। आप इस टाइप के सम्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इंटीग्रेशन 1 to 2 x² dx, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x², दैट इज x³/3। आप लिमिट डाल देंगे फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 to 2। ये 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा x³, 1 to 2। तो वी गेट 1/3, एक्स की जगह पे 2 डालेंगे हम लोग। सबसे पहले एक्स की जगह पे 2 डालोगे, यू विल गेट 2³ माइनस 1³। सो वी गेट 1/3 8 माइनस 1, सो फाइनल आंसर इज 7/3। सेकंड सम भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड सम, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ -4 to -1 1/x dx। नाउ 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स, ब्रैकेट फ्रॉम वेयर टू वेयर, -4 to -1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, x की जगह मॉड x, x की जगह पे -1 डालेंगे, तो log ऑफ -1 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ -4। व्हाट इज log ऑफ -1? दैट इज log 1 माइनस log ऑफ, व्हाट इज -4? दैट इज 4। व्हाट इज log 1? log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, सो 0 माइनस log 4। सो व्हाट इज द आंसर? द फाइनल आंसर इज माइनस log 4। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो लॉग 4⁻⁻¹ हो जाएगा। ये माइनस अगर आप पावर में लोगे तो √-1 होगा, विच इज नथिंग बट लॉग ऑफ 1/4। सो आइदर यू विल स्टॉप हियर और यू विल स्टॉप हियर, बोथ आंसर आर कंसिडर टू बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -2 to 3 1/x + 5। सेम, सो फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, -2 to 3 1/x + 5 dx। सो वंस अगेन इट इज लॉग, बिकॉज 1/x का क्या होता है? लॉग एक्स। तो 1/x + 5 लॉग मॉड x + 5 फ्रॉम वेयर टू वेयर, अगेन -2 to 3। तो x के जगह पे आप सबसे पहले 3 डालेंगे, यू विल गेट 3+5 माइनस x के जगह पे -2 डालेंगे, -2+5। सो व्हाट इज log 3+5? दैट इज log 8 माइनस log -2+5, दैट इज 3। व्हाट इज log a माइनस log b? दैट इज log a/b, सो आंसर इज log ऑफ 8/3, दैट इज द फोर्थ आंसर। नाउ सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/2x - 3, हाउ टू सिंप्लीफाई, लेट अस सी। फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2x - 3 0 to 1,
1 upon 2x minus 3. What is 1 by x? Once again, log mod x. But my dear students, यहाँ पे सबसे important point ये है कि x का coefficient क्या है? 2. तो denominator में 2 आएगा. Because it is a linear function and we know that जब भी linear function होगा तो x का coefficient से divide करते हैं. 0 to 1. ये silly mistake बहुत सारे बच्चे करते हैं. 1 by 2 बाहर आ जाएगा. We get log mod 2x minus 3. 0 to 1. चलिए. So we get half constant. X की जगह पे 1 डालेंगे हम लोग. So we get log of x की जगह पे 1 डालो तो 2 1 जा 2 2 minus 3 minus x की जगह पे 0 डालो 0 minus 3. So we get half log of minus 1 minus log of minus 3. Since ये mod है, this is mod, is this clear? तो आप यहाँ पे mod लगाएंगे. जब भी negative value आता है तो mod is very important. अगर positive value होता तो mod का जरूरत नहीं था, but negative है इसलिए log mod का जरूरत है. Now what is log of mod minus 1? That is log 1 minus. What is log of mod of minus 3? That is log 3. Now half. What is log 1? Log 1 is always 0. 0 minus log 3. So what is the final answer? Minus log 3 by 2. This is the final answer. Hope that samjha hoga. Next question. Question number 6. Integration 2 to 3 x upon x square plus 1. Let us see how to do x upon x square plus 1. X upon x square plus 1. 2 to 3. So my dear students, iska derivative kitna aayega? X square plus 1 ka derivative ho jayega 2x plus 0, that is 2x. Yes or no? X square plus 1 ka derivative ho jayega 2x. So upar hume 2x chahiye. Agar upar 2x hota to log mod denominator ho jata, right? So hum kya karenge? Hum multiply divide by 2 kar denge. Do you getting me what we are trying to do? Hum log denominator ka derivative numerator mein lane ki koshish kar rahe hain. So 2 to 3 x upon x square plus 1 multiply numerator and denominator by 2. तो देखो ना, x square plus 1 का derivative ऊपर आ जाएगा 2x. Is this clear? So we get 1 by 2 log mod x square plus 1 bracket के अंदर आ जाएगा 2 to 3. Okay. So which is equal to half. चलो x की जगह क्या डालेंगे? X की जगह पे 3 डाल देंगे. क्या डाल देंगे? 3. तो log 3 का square 9. तो 9 plus 1 minus log x के जगह पे 2 डाल दो तो 2 का square 4, 4 plus 1. So we get half log 10 minus log 5. What is log a minus log b? That is log a by b. So 10 by 5. What is 10 by 5? 10 by 5 is 2. 5 2 is 10. So log 2. So final answer is half of log 2. Half of log 2. So my dear students, मैंने आपको all objectives question कराया. Question number 7 आप खुद try करिएगा. So this 7 very important sums for objective purpose. Do more practice. Let us continue. Now this is question. Once again a very important questions. Come on, try करिए. कैसे solve करेंगे? ये solution आपको हमने यहाँ solve करके दिया है. Let us see. अब सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे function दो part में divide किया गया है. अगर मैं एक real line define कर दूँ, ये एक real line है, जिस पे मैं एक number ले लेता हूँ 0. क्या ले लेता हूँ my dear students? 0. तो question कहता है, if x is less than equal to 0, मतलब 0 से less होगा, तो आपका f of x आपको लेना है 1 minus 2x. And if x is greater than equal to 0, तो आपको f of x लेना है 1 plus 2x. So, यहाँ पे function कहाँ पे change हो रहा है? Function 0 के पहले और 0 के बाद different है. So, आपका integration minus 1 से 1 दिया है. तो आपका integration minus 1 to 1 जो है वो break हो जाएगा. Minus 1 to 1, आपका जो function है f of x dx, my dear students, ये break हो जाएगा. माइनस 1 से लेके समझो ये माइनस 1 है और ये 1 है, तो आपका फंक्शन माइनस 1 टू 0 जाएगा और 0 टू 1 जाएगा, बिकॉज़ फंक्शंस आर डिफरेंट. तो माइनस 1 टू 0 f(x) dx
प्लस 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। होप दैट आपको समझा होगा। नाउ इंटीग्रेशन -1 to 0, नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? आपका एफ ऑफ एक्स -1 to 0 मतलब 0 के पहले, तो 0 के पहले क्या है, 1 minus 2x, तो 1 minus 2x डीएक्स प्लस 0 to 1, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? 1 plus 2x डीएक्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन इवेल्युएट करके दिया है, -1 to 0 1 minus 2x डीएक्स को आप सॉल्व करो, और 0 to 1 1 plus 2x डीएक्स को सॉल्व करो, माय डियर स्टूडेंट्स यू विल गेट फाइनल आंसर इज 4। तो इसके आगे आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप ट्राई करें, सॉल्व करें और अपने आंसर्स को वेरीफाई करें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए हम आपको इस सम्स के आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं कि सम्स कैसे सॉल्व करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे आपको अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, हाउ टू सिंप्लीफाई, तो लेट्स स्टार्ट। 0 to a 2x + 1 dx = 2, तो चलो लेट्स स्टार्ट। 2 कांस्टेंट हो गया, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, दैट इज x² / 2, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1, दैट इज x = 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 to a 2 टू गेट कैंसल, सो वी गेट x² + x 0 to a इज 2। सो सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, तो x की जगह a पुट करिए, सो वी गेट a² + a दैट इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0 = 2, सो वी गेट a² + a -2 इज 0। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द फैक्टर ऑफ 2 का फैक्टर फाइंड करो, तो 2 × 1 = 2, तो आपको आएगा +2 - 1, क्योंकि आपको +1 चाहिए ना, +a है। सो लेट्स कंटिन्यू, a² + 2a - a - 2 = 0। नाउ पेयर बनाएंगे आप, यहां से a कॉमन ले लिया, सो यू विल गेट a + 2, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, a + 2 = 0। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां कुछ भी कॉमन नहीं मिले, यहां क्या है, 1 है, सो यू विल गेट a + 2 a - 1 = 0, सो a = -2 और a = 1, तो a की कितनी वैल्यू आई, माय डियर स्टूडेंट्स वी गेट 2 वैल्यूज फॉर a = 1 और a = -2। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ a, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, a = -2 और a = 1, दिस इज द फाइनल आंसर। होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझा होगा, तो डू मोर प्रैक्टिस ऑफ सच काइंड ऑफ सम्स। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी आपको किसकी वैल्यू पूछी गई, माय डियर स्टूडेंट्स आपको a और b फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया गया है, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू 2/3, आपको 2 अलग अलग इंटीग्रेशन दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे सबसे पहले आप ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, इंटीग्रेशन a to b x³ dx, तो x³ का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ का इंटीग्रेशन हो गया x⁴/4, इंटीग्रेशन a to b, राइट। फिर आप ये अपर लिमिट डालेंगे, यू विल गेट b⁴/4, ये जो 4 है उसको कांस्टेंट है ना, ये 4 को बाहर ले लिया, फिर अपर लिमिट डालो, यू विल गेट b⁴ - a⁴ = 0, b⁴ - a⁴ = 0, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 × 4, दैट इज 0, b⁴ - a⁴ = 0, यू विल गेट b⁴ = a⁴, और जब आप 4th रूट लोगे सो यू विल गेट b की वैल्यू +a, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? होप दैट आपको समझा होगा। तो हमने ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो वी गेट b = +a। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सम, नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन a to b x² dx, ये वाला इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, x³/3। नाउ 1 ये बाय 3 जो है कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, तो 1/3 बाहर ले लिया, b³ - a³ = 2/3, दोनों साइड से 3 गेट कैंसिल, तो यू विल गेट b³ - a³ = 2, सो वी गेट 2 इक्वेशंस, दिस इज b = +a इक्वेशन नंबर 1, b³ - a³ = 2 इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको b के प्लेस पे +a पुट करना है, b के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, +a, देखो b³ - a³ = 2, तो आपको b की 2 वैल्यू आई +a, इसका मतलब आपको b = a आया,
या b इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर आप b इक्वल टू ए लोगे माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर टेकिंग b इक्वल टू ए, तो आपको ए क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू टू, जीरो इक्वल टू टू, विच इज नॉट पॉसिबल। होप दैट आपको समझा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी क्यूब बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए में बी इक्वल टू ए इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? अभी अभी हमने आपको बताया बी क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू टू है, और बी के जगह पे अगर आप ए डालोगे तो ये जीरो आएगा, जीरो इक्वल टू टू, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? देयर फॉर बी की वैल्यू कंफर्म हो गई कि बी की वैल्यू माइनस ए है। अब बी के प्लेस पे माइनस ए डालो तो यू विल गेट माइनस ए का क्यूब, माइनस ए क्यूब इज टू। व्हाट इज माइनस ए का क्यूब? दैट इज ए क्यूब, सॉरी माइनस ए क्यूब, माइनस ए का क्यूब इज माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू टू। व्हाट इज माइनस ए क्यूब? माइनस ए क्यूब माइनस टू ए क्यूब इज टू, टू टू गेट कैंसल, माइनस ए क्यूब इज वन, सो ए क्यूब इक्वल टू माइनस वन। तो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ ए? सॉरी, क्यूब रूट ऑफ ए इज ए, तो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ माइनस वन, एंड व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ माइनस वन? दैट इज माइनस वन। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई माइनस वन। जैसे आपको ए की वैल्यू मिली, आप ए के प्लेस पे माइनस वन डाल दो, तो यू विल गेट बी इज माइनस ऑफ माइनस वन, देन यू विल गेट बी की वैल्यू वन। सो ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू वन। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम्स फॉर 3 marks। इज दिस क्लियर? लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11। एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और आपको बोला गया शो दैट 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज 1 बाय 6 टाइम्स दिस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको सॉल्यूशन दिया है, आप रिफर करिए, हम आपको एक्सप्लेन करते कैसे होगा। सबसे पहले 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, आप क्या ले लो? एल एच एस। तो लेट अस राइट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ओके, तो 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? दैट इज ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, तो ए कॉन्स्टेंट हो गया, हम ये तीनों का इंटीग्रेशन ले लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन तीनों का लोगे। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1? तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स? एक्स स्क्वायर बाय 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? दैट इज एक्स क्यूब बाय 3। तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ व्हाट इज द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो आपको एफ ऑफ 0 निकालना होगा, एफ ऑफ हाफ निकालना होगा और एफ ऑफ 1, तीनों निकाल के राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो। हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 0? तो आप x की जगह पे अगर 0 डालोगे, x की जगह पे 0 डालोगे तो आपको एफ ऑफ 0 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? x की जगह पे क्या पुट करोगे? 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ 0 कैलकुलेट किया, एफ ऑफ हाफ कैलकुलेट किया, एफ ऑफ 1 कैलकुलेट किया। उसके बाद इन्होंने ले लिया राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में डाल के आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करोगे, सो आपको राइट हैंड साइड आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 3। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया? राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो आप ये सबको ट्राई करें एंड वेरीफाई योर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। क्या दिया गया? इंटीग्रेशन 0 टू 9 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। हाउ टू सिंप्लीफाई? ये डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस रूट एक्स। इसमें आप 1 प्लस रूट एक्स को टी डालोगे, पुट 1 प्लस रूट एक्स इज टी। तो व्हाट इज रूट एक्स? रूट एक्स आपका हो जाएगा टी माइनस 1। आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, टेक अ डेरिवेटिव, तो यू विल गेट डी एक्स इज इक्वल टू, ये x रेस टू n का फॉर्मूला लगा दो। व्हाट इज x रेस टू n? n x रेस टू n माइनस 1 इनटू d by dt ऑफ t माइनस 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट dx इज 2 टाइम्स t माइनस 1 इनटू, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t? 1, एंड 1 का डेरिवेटिव 0, तो वी गेट dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स t माइनस 1। ये आपको होप दैट समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका dx, और आपका x हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस रूट एक्स हो गया t। ये तीनों चीज आप ध्यान से करिएगा ना। अब आपका लिमिट चेंज होगा, ये 0 टू 9 है। क्या है? 0 टू 9। हम लोग डियर स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हमें लिमिट
पी के लिए फाइंड आउट करना होगा। सो ये आप दे दो इक्वेशन नंबर यहाँ पे वन, इज दिस क्लियर? नाउ फ्रॉम वन व्हाट इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज जीरो। तो इफ एक्स इज जीरो, इफ एक्स इज जीरो व्हाट इज टी की वैल्यू, तो टी क्या है, टी है वन प्लस रूट एक्स। टी क्या है हमारी स्टूडेंट्स, वन प्लस रूट एक्स, तो एक्स की जगह जीरो डालो तो वन प्लस रूट जीरो, तो आपको टी की वैल्यू आ जाएगी वन। सो इफ एक्स इज जीरो टी इज इक्वल टू वन। नाउ व्हाट इज द अपर लिमिट, अपर लिमिट आपका था नाइन, तो इफ एक्स इज नाइन, इफ एक्स इज नाइन व्हाट इज टी, टी इज वन प्लस रूट एक्स, तो वन प्लस रूट नाइन, तो वन प्लस थ्री, तो आपको टी की वैल्यू आ गई फोर। तो इफ एक्स इज नाइन टी इज फोर एंड इफ एक्स इज जीरो टी इज वन, तो आपका इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो जीरो टू नाइन था, जीरो के प्लेस पे आपको वन आ रहा है और नाइन के प्लेस पे आपका फोर आ रहा है, तो आपका इंटीग्रेशन वन टू फोर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इंटीग्रेशन वन टू फोर ध्यान से देखिएगा, ये आपका पूरा इंटीग्रेशन चेंज होने जा रहा है, तो आपका इंटीग्रेशन बनेगा वन टू फोर, वन अपॉन वन प्लस, सॉरी वन प्लस रूट एक्स को तो हमने टी बोल दिया है, ये पूरा का पूरा वन प्लस रूट एक्स जो है वो तो टी है, तो वन बाय टी। एंड व्हाट इज डी एक्स, डी एक्स इज टू टाइम्स टी माइनस वन, तो टू टाइम्स टी माइनस वन डी टी आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, टू टाइम्स टी माइनस वन डी टी आएगा, डी एक्स इज टू टाइम्स टी माइनस वन डी टी। इज दिस क्लियर? सो क्योंकि x का ये अपॉन dt है, ये dt उधर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स t माइनस 1 dt। नाउ ये 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो यू विल गेट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 टू 4 t माइनस 1 अपॉन t dt, ये 2 देखो ये 2 बाहर आ गया। ओके, होप दैट आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट्स, 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 टू 4 और ये आप सेपरेट करो, व्हाट इज टी डिवाइड बाय टी, दैट इज 1, तो यू विल गेट 1 माइनस 1 बाय टी डी टी, दैट इज दिस स्टेप। नाउ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन टी होगा और 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड टी। सो आफ्टर दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 6 माइनस 4 लॉग 2। होप दैट आपको ये सम का बिगिनिंग समझ में आया होगा। तो दिस सम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स प्रॉब्लम, सो डू मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1 टू 3 लॉग एक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब भी लॉग का टर्म आएगा तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन 1 टू 3 लॉग एक्स और यहाँ पे आपको वी ले लेना है 1, तो यहाँ पे आपका यू हो जाएगा लॉग एक्स, v हो जाएगा 1। सो आप उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओ, तो u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम इंटीग्रेशन a टू b हो जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, इसके लिए a टू b लिख रहे हैं। नाउ व्हाट इज u, u इज log x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी यू बाई डी एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 बाय एक्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी, वन वी का मतलब, वी मतलब 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, फ्रॉम वेयर टू वेयर 1 टू 3, एक्स एक्स गेट कैंसल, एक्स एक्स गेट कैंसल। नाउ व्हाट यू विल गेट, सो वी गेट ब्रैकेट x log x माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x 1 टू 3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अपर लिमिट डाल दो, यू विल गेट 3 log 3 माइनस 3, माइनस लोअर लिमिट डालो 1 log 1 माइनस 1, ये 3 पावर में आ जाएगा, व्हाट इज 3 का क्यूब 27, यू विल गेट log 27 माइनस 3, log 1 होता है 0 माइनस जीरो एंड दिस माइनस माइनस प्लस,
Now, which is equal to log 27 minus 3 plus 1, that is minus 2. So, this is the final answer. Log of 27 minus 2. Hope that aapko ye sab acche se samajh mein aaya hoga. Agar aap log 27 nahi karoge, you can stop your answer like this. 3 log 3 minus 2. Aap yahan pe bhi apne answer ko chhod sakte ho. So, let us see. Next sum, question number 15. This is again very, very important sum. Mark is important for 4 marks sum. How to do? So, aap dekh sakte log x ka derivative 1 by x hota hai. Yahan pe aapka 1 by x aapko dikh raha hoga. So, is samay either aap log x ko t dal do, ya aap 1 plus log x ko t le lo. Aap pure ko bhi t le sakte ho, kyunki 1 ka derivative 0 hi hoga. To, is sum ki shuruaat kaise hogi? 1 plus log x ko kya le liya t. चलो डेरिवेटिव ले लो, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt बाय dx. सो वी गेट 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt. सो ये एक पार्ट आपको समझ गया, 1 plus log x को हमने t ले लिया. चलो अब लिमिट चेंज करो, इफ x इज 0 देन व्हाट इज t, एंड इफ सॉरी 0 नहीं, x की वैल्यू यहां पे क्या दिया, 1 दिया ना, तो इफ x इज 1 व्हाट इज t, एंड इफ एक्स इज 2 व्हाट इज टी. तो एक्स की जगह पे 1 डालो, तो जब 1 डालोगे तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 0 होता है, log 1 क्या होता है 0, तो टी इज 1 प्लस 0 दैट इज 1. अब एक्स की जगह पे 2 डालो तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस log 2. इस इंटीग्रेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन 1 के प्लेस पे क्या आएगा, 1 के प्लेस पे 1 ही है, ओके और ये 2 के प्लेस पे क्या आ गया, 1 प्लस log 2. चलो ये आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा है, यहां पे 1 अपॉन x dx, सी हियर ऊपर 1 है, तो ये 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, dt आ गया. ठीक है, ऊपर क्या बच गया, न्यूमरेटर में 1 बच गया, 1 अपॉन व्हाट इज 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को हमने t बोला है, तो 1 बाय t स्क्वायर, ओके. चलो लेट्स कंटिन्यू, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन था -1 बाय x, तो वी गेट -1 बाय t, 1 टू 1 प्लस log 2, ओके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय प्रॉपर्टी अगर आप ये माइनस, चलो ये माइनस को एक काम करो बाहर ले लो, तो वी गेट 1 बाय t, 1 टू 1 प्लस log 2, नाउ व्हिच इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लो, t के जगह पे अपर लिमिट डालो, 1 अपॉन 1 प्लस log 2 माइनस 1 अपॉन 1, सो वी गेट माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस log 2 माइनस 1. सो फाइनली आप ब्रैकेट ओपन कर दो, यू विल गेट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log 2 प्लस 1, तो ये 1 को आगे लिखो, 1 को आगे लिखो, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log 2 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स, तो वी गेट 1 प्लस log 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log 2, 1 1 गेट कैंसिल, सो फाइनल आंसर आएगा log 2 upon 1 plus log 2. This is the final answer. Hope that aapko ye sum samjha hoga. So this is very, very important sum, my dear students. Little bit complicated hai, but aap one time, two time practice karoge, then you will get the clear idea. Next sum. Question number 16. E raised to x square into x cube. So my dear students, is sum ko aap kaise karoge? 0 to 1 e raised to x square into x cube. Ye sum already humne integration chapter mein padha tha. सेम सम डेफिनेट में आया है, तो सबसे पहले 0 टू 1 e रेज़ टू x स्क्वायर, ये जो x क्यूब है, इस x क्यूब को आप लिखो x स्क्वायर इनटू x, बाद में माय डियर स्टूडेंट्स पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, x स्क्वायर को t पुट करो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 2x dx इक्वल टू dt, सो वी गेट x dx इज इक्वल टू dt बाय 2. नाउ इफ x इज 0, my dear students, if x is 0, what is t?
ओके अगर हम एक्स को जीरो लेंगे तो हमें टी क्या मिलेगा, और अगर हम एक्स को वन ले तो हमें टी क्या मिलेगा। सो इफ एक्स इज जीरो व्हाट इज टी, इफ एक्स इज वन व्हाट इज टी। तो इफ एक्स इज जीरो डालो यहाँ पे तो टी इक्वल टू जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो, इफ एक्स इज वन टी इज वन, तो लिमिट में कोई फर्क नहीं आया। तो आपका ये सम जो है दिस सम इज कन्वर्टेड, ये आपका जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा जीरो टू वन, एक्स स्क्वायर को हमने टी लिया है तो वी गेट ई रेस टू टी। ओके एक्स स्क्वायर क्या है टी इंटू टी, एंड वॉट इज एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स इज डी टी बाय टू, तो दैट आपको समझा होगा। तो ये वन बाय टू हम बाहर ले लेंगे जीरो टू वन, और ये आपका बन जाएगा इंटीग्रल टी ई रेस टू टी डी टी। सो माय डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आप यहाँ पे लगा दो यूवी रूल, कौन सा रूल लगा दो, यूवी रूल दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यूवी रूल लगा के माय डियर स्टूडेंट्स आप सॉल्व करोगे फाइनल आंसर आपको आ जाएगा हाफ। आप सॉल्व करो और अपने आंसर को वेरीफाई करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वंस अगेन डू दिस सम, दिस सम इज होमवर्क, आप ट्राई करिए। मैंने इसका सॉल्यूशन डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे हमने ये सम सॉल्व करके दिया है, आप ये सम की प्रैक्टिस करें। दिस इज सॉल्व बाय यूवी रूल, यहाँ पे आपको एल ए ई ऑर्डर होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इसे क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट, इसे इंटरचेंज करना होगा, दैट इज लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब करना होगा, और लॉग एक्स को आप ले लो यू और एक्स क्यूब को ले लो वी, एंड यूवी रूल आप अप्लाई करके इस सम को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 18, यस दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, ट्रिकी सम्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो अगर लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे आपका यू हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स लॉग एक्स, और आपका वी हो जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर, जिसे आप एक्स रेस टू माइनस टू भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको यू को लेना है लॉग एक्स और वन अपॉन एक्स स्क्वायर को लेना है वी, बाद में इंटीग्रेशन यूवी रूल अप्लाई करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स ट्राई दिस सम एंड सॉल्व करने के बाद आप इस सम का आंसर चेक करो और वेरीफाई करो। सो माय डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा इस सम का आंसर, लेट अस सी। सो फाइनल आंसर ऑफ द सम इज दिस। ओके सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये सम होगा, ध्यान में रखना है आपको लॉग एक्स को यू लेना है और वन अपॉन एक्स को एक्स स्क्वायर को वी लेना है। लेट अस कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 19। नाउ इंटीग्रेशन 3 टू 5 वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स ये समय हम क्या करेंगे, इस समय हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे रैशनलाइज, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये स्टेप में रैशनलाइज कर दिया, यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। रैशनलाइज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो व्हाट वी विल गेट, वी गेट डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करोगे माय डियर स्टूडेंट्स रूट चला जाएगा, यू विल गेट एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2, एंड वी आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट, तो एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 2, एक्स एक्स गेट कैंसर एंड 4 प्लस 2 इज 6। तो जब आप रैशनलाइज करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो आपको देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके नाउ आफ्टर दैट ये जो 6 है वो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा 1 बाय 6, और आप इस न्यूमरेटर पार्ट को क्या कर दोगे इंटीग्रेट कर दोगे। तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब हाफ होता है। तो आप इंडिविजुअली दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, दैट इज 2 बाय 3 एक्स रेस टू 3 बाय 2। तो ये फॉर्मूला आएगा, ये आप सॉल्व करोगे और आपको लास्ट में आंसर ये आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए और अपने आंसर्स को वेरीफाई करिए। सिंस इट इज रिवीजन लेक्चर तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सम कैसे सॉल्व होता है, उसके बावजूद अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके डेफिनेट इंटीग्रेशन का वीडियो देखना ना भूले, उसमें इन डिटेल पूरा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 19। फॉर प्रैक्टिस पर्पज आई विल गिव यू
दिस सम। तो ये प्रैक्टिस पर्पज से आपको सम दिया गया है, आप वंस अगेन इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में प्लस है तो हमने माइनस से क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो आपको फाइनल आंसर 4/3 अंडर रूट 2+1 आ जाएगा। सॉल्व एंड वेरीफाई योर आंसर्स। माय डियर स्टूडेंट, जो भी सम्स को हम बोल रहे हैं सॉल्व एंड वेरीफाई, आप उसे इग्नोर ना करें। ओके, इस वीडियो में हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप सॉल्व करिए और अपने आंसर को वेरीफाई करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखना ना भूलें। सो ऑल दी सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। रिविजन लेक्चर में मेरा मेन एम है कि सम को कैसे सॉल्व करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस कर लें, एटलीस्ट सॉल्व नहीं कर पाए तो डिस्कस कर लें कि सम कैसे सॉल्व होता है। दैट इज द रिविजन लेक्चर, लास्ट मिनट रिविजन लेक्चर। नाउ 21 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, दिस इज द सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है, टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है। तो हाउ टू स्टार्ट दिस सम, सबसे पहले हम लोग रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। नाउ ये देख सकते हैं आप, ये आपका जो क्वेश्चन है उसको इक्वेशन नंबर, उसको इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकेंड फैक्टर गिव इक्वेशन नंबर टू, टेक एलसीएम, आप एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद आपको ये इक्वेशन नंबर टू आ जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको ए फाइंड आउट करना है तो बी के साथ जो टर्म है उसको जीरो पुट करना है, तो पुट एक्स प्लस टू इज जीरो। तो अगर आप एक्स प्लस टू को जीरो पुट करोगे, दैट मीन्स एक्स की जगह पे माइनस टू डालोगे, और जब आप एक्स की जगह पे माइनस टू डालोगे, देखो एक्स की जगह पे माइनस टू डाला तो आपको ए की वैल्यू मिल गई, हमने एक्स की जगह माइनस टू डाला तो हमें किसकी वैल्यू मिली माय डियर स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हमें मिल गई। सिमिलरली जब आप x प्लस थ्री को जीरो पुट करोगे, किसको, x प्लस थ्री को जीरो, मतलब x की जगह क्या डालोगे माइनस थ्री, और जब माय डियर स्टूडेंट्स x की जगह माइनस थ्री डालोगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको a और b की वैल्यू जब मिल गई, देखो ये b की वैल्यू मिली और ये a की वैल्यू मिली, जब a और b की वैल्यू मिली तो a और b को आप रिप्लेस कर दोगे, a और b को क्या कर दोगे रिप्लेस, और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे, सो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। So this is your final answer. The final answer is log of 3456 upon 3125. So solve this sum. This sum is very 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 important sums for 4 marks. Next question. Now, आप देख सकते हैं यहाँ पे highest power of numerator is 2, highest power of denominator is 2. So, ये कौन से टाइप का सम हुआ, ये हुआ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने इंटीग्रेशन महारिविजन में ये सारे टाइप्स ऑलरेडी सॉल्व करके डिस्कस किए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इंटीग्रेशन चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं या इंटीग्रेशन महारिविजन का वीडियो देख सकते हैं, तो आपका ये रिविजन आ जाएगा कि ये सब कैसे सर ने एक्सप्लेन किया था। ना जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम होता है हम लोग क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो वी आर गोइंग टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो आपका डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज 1, 3 ये 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करते हैं, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और बाद में माइनस का साइन आएगा, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, वी गेट माइनस 4x माइनस 3 इज द रिमाइंडर। उसके बाद डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, देख सकते हैं आप ये समझ में आ गया होगा आपको, फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिखते हैं क्या आएगा, चलो कम ऑन ट्राई करते हैं हम लोग। सो व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड ये अंदर का पार्ट हो गया, दिस इज डिविडेंड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज डिवाइजर दैट इज 1, सॉरी क्वेश्चन इज 1, डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज माइनस 4x माइनस 3, तो ये आपका आ गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे ये पार्ट से, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय दिस, तो आप ये 5 जो है वो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और आप एक्स स्क्वायर के प्लेस पे ये पूरा का पूरा टर्म लिख दोगे, डू यू गेटिंग मी। सो आप देख सकते हो ये हमने रिप्लेस कर दिया, चलो रिप्लेस करके भी दिखाता हूं मैं, इंटीग्रेशन 1 टू 2, ये 5 बाहर आ गया
और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस माइनस फोर एक्स माइनस थ्री अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री है थ्री एक्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स आप सेपरेट करोगे तो दिस अपॉन दिस आपका हो जाएगा वन देख सकते हैं और बाद में आ जाएगा माइनस फोर एक्स माइनस थ्री अपॉन दिस तो आप माइनस कॉमन लोगे तो यू विल गेट यहाँ पे प्लस जब माइनस कॉमन लोगे तो प्लस आ जाएगा और बाद में माय डियर स्टूडेंट्स आप इंडिविजुअली दोनों को इंटीग्रेट कर दो और जब इंटीग्रेट करोगे इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दो यू विल गेट दिस आंसर। सो ये वन का इंटीग्रेशन आपका एक्स हो जाएगा ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स। अब ये इधर हाईएस्ट पावर क्या है वन और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ गया तो हमने क्या किया इसको फैक्टराइज किया सो वी गेट एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन। सो अब इसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे क्या लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं ए अपॉन बी अपॉन किया ए की वैल्यू निकाली बी की वैल्यू निकाली और बाद में इक्वेशन नंबर यहाँ पे ए और बी को रीसब्स्टिट्यूट करके हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ये सम को क्या कर दिया हमारे ये स्टूडेंट्स ये सम को देख सकते हैं आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया ये ए और बी सब्स्टिट्यूट करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके सॉल्व किया एंड यू विल गेट दिस इज द फाइनल आंसर। सो सॉल्व एंड वेरीफाई योर आंसर्स होप दैट आपको ये सम समझा होगा कि कैसे सॉल्व करना है दिस इज डिफिकल्ट सम दिस इज फॉर फोर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 ई रेज टू 2x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस सम नाउ माय डियर स्टूडेंट्स इस सम को कैसे सॉल्व किया गया तो ई रेज टू 2x का मल्टीप्लाई दोनों में किया गया है आप देख सकते हैं ई रेज टू 2x इंटू 1 बाय x दैट इज ई रेज टू 2x इंटू 1 बाय x दैट इज द फर्स्ट इंटीग्रेशन। नाउ ई रेज टू 2x का 1 बाय 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया गया माय डियर स्टूडेंट्स सो ये आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गया आई वन आई टू ये आपका हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन और ये आपका हो गया सेकेंड इंटीग्रेशन सो देर आर टू इंटीग्रेशन। नाउ अब आप इस सम को कैसे क्रैक करोगे तो दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये 1 बाय 2 क्या है ये 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है 1 बाय 2 बाहर ले लिया और आपका इंटीग्रेशन आएगा 1 टू 2 e रेज टू 2x इंटू 1 बाय x स्क्वायर dx। तो इस इंटीग्रेशन को हाथ नहीं लगाना ये एज इट इज रखा है एज इट इज तो आप देख सकते हैं ये 1 बाय 2 ये एज इट इज है आपका ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन एज इट इज है विच पार्ट ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट एज इट इज यहाँ पे है और इसके अंदर यूवी रूल लगा दिया तो इसके अंदर यूवी रूल लगाओगे माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको ये मिलेगा इसके ऊपर जब यू इंटू वी लगाओगे सो यहां से लेके यहां तक आपको यूवी रूल लग गया दिस इज यूवी रूल। ओके तो आप ट्राई करो चलो ट्राई करो सॉल्व करो और वेरीफाई करो यूवी रूल लगाने पे ये मिलेगा और जब माय डियर स्टूडेंट्स आप इसे सिंप्लीफाई करोगे व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस व्हाट यू विल गेट क्या मिल जाएगा आपको तो आप देख सकते हैं ये देखो ये ई रेज टू 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 2x बाय 2 हो गया यहाँ पे ये सॉल्व किया और आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया ई रेज टू 2x अपॉन x स्क्वायर बचा और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन गेट कैंसिल हो जाएगा लास्ट में जाके ये जो इंटीग्रेशन है ना इसको टच नहीं करो ये लास्ट में जाके कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा ई रेज टू 4 बाय 4 माइनस ई स्क्वायर बाय 4। सो सॉल्व दिस सम एंड वेरीफाई योर आंसर इट इज अ ट्रिकी सम ऐसे सब सम अगर आप बिना किए एग्जाम में जाएंगे तो आप स्टक हो जाएंगे तो डू मोर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 इट इज 1 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 1 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ऑलरेडी कराया थर्ड टर्म फाइंड करना है और सॉल्व करना है ये आपके लिए हमने सॉल्यूशन दिया आप सॉल्व करके आंसर को वेरीफाई करें सो दिस इज द फाइनल आंसर सॉल्व एंड वेरीफाई योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिस इज 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दिस इज द सॉल्यूशन थर्ड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकाल के आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट दिस इज द फाइनल आंसर।
सो 1 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं या आपको प्रॉब्लम होगा हमारे ये स्टूडेंट्स, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय क्वाड्रेटिक और 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक के वीडियो ना देखना ना भूलें। लेट अस कंटिन्यू। सो 25 सम्स हमने करा दिए ना, अब हम कुछ सम्स करेंगे हमारे ये स्टूडेंट प्रॉपर्टीज पे। तो ये फर्स्ट 25 सम्स इंटीग्रेशन चैप्टर में जो आपने पढ़ा था उसी का रिविजन था, अब हम प्रॉपर्टीज पे करेंगे। सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज, रिवाइज इट प्रॉपरली, इसे आप रिवाइज कर लें ऑल द प्रॉपर्टीज। नाउ दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, जब भी आपको इंटीग्रेशन -9 दे और ऊपर 9, मतलब आपको जब भी इंटीग्रेशन -a to a दे, तो आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन दिया है वो इवन है कि और। तो ये आपका फंक्शन है, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। नाउ व्हेन वी से दैट अ फंक्शन इज इवन, अगर आप एफ ऑफ -x निकालोगे और अगर आपको -f(x) आया तो आपका फंक्शन ऑड हो जाएगा, और अगर आपको f(x) आया तो आपका फंक्शन इवन हो जाएगा, और अगर ऑड रहा तो इंटीग्रेशन का आंसर जीरो आ जाएगा। अगर ऑड रहा तो इंटीग्रेशन का आंसर जीरो आएगा, और अगर इवन रहा तो आपको 2 times इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। सो लेट अस सी, तो आपका f(x) क्या है, दिस इज f(x). सो चलो हम आपको करके दिखाते हैं इवन ऑड कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट अस सी। तो व्हाट इज f(x), f(x) इज x³ अपॉन 4 - x²। एक्स के जगह -x डालो, व्हाट इज f(-x), दैट इज -x³ अपॉन एक्स की जगह पे -x, तो वी गेट -x³ अपॉन 4 - x²। नाउ ये माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, तो हम क्या लिखेंगे, -x³ अपॉन 4 - x²। तो x³ अपॉन 4 - x², दैट इज नथिंग बट f(x). आप देख सकते हैं x³ अपॉन 4 - x² इज व्हाट, f(x). सो वी गेट -f(x). सो आप देख सकते हैं f(-x) क्या आया, f(-x) -f(x) आया, तो आपका ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड। अगर फंक्शन ऑड है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपका इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये सम आपको 4 marks में भी पूछ सकते हैं, या ये सेम सम आपको ऑब्जेक्टिव में 1 mark के लिए पूछा जा सकता है। सो डू प्रैक्टिस ऑफ सच काइंड ऑफ सम्स। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 23, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम्स। नाउ x² into a - x² raised to 3/2। सो इस सम को दो तरीके से आप कर सकते हो, आप a माइनस एक्स को पी पुट कर दो और सॉल्व करो, दैट इज द मेथड 1। बट इससे भी इजी मेथड क्या है, इससे भी आसान मेथड है कि आप प्रॉपर्टी यूज करें। नाउ प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे, सो देयर इज अ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx। तो आपका ये जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे a माइनस एक्स लिखना है। तो ये जो x है उसकी जगह पे आप a माइनस एक्स लिखोगे, और ये x जो है उसकी भी जगह पे a माइनस एक्स लिखोगे। तो आप देख सकते हैं x की जगह पे a माइनस एक्स और इस x की जगह पे a माइनस एक्स लिखा। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो x x गेट कैंसल, और यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। व्हाट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a² - 2ab + b². ओके, ना ये a a कट गया तो आपका क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, तो आपको x³ मिलेगा। क्या मिलेगा, x³। सो होप दैट आपको ये समझा होगा ना। अब ये x³ का मल्टीप्लाई आप ऑल द 3 terms में कर दो, ऑल द 3 terms, तीनों के तीनों टर्म्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये टर्म्स मिल जाएंगे। होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, a² कॉन्स्टेंट है, a² 2a कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, आप इसे इंडिविजुअली क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। सो जब आप इंटीग्रेट करोगे इसका इंटीग्रेशन x^n का फॉर्मूला, इधर भी x^n का फॉर्मूला, इधर भी x^n का फॉर्मूला। होप दैट x^n का फॉर्मूला आपको आता है, x^n+1/n+1। अब बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, मान लीजिए स्टूडेंट्स केयरफुली कैलकुलेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर इज 16/315 a^9/2। दिस इज द फाइनल आंसर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। इसी तरह के सम्स के लिए हम एक प्रैक्टिस के लिए आपको सम दे रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके 27 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a x into 1 - x^n, ये सम है।
हाउ टू स्टार्ट दिस सम सॉल्यूशन. तो आप वन सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स. तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह ए माइनस एक्स. तो ये एक्स की जगह ए माइनस एक्स और ये भी एक्स की जगह ए माइनस एक्स. यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स ए है वन, यहाँ पे क्वेश्चन में वन आएगा, जीरो टू वन. तो आप क्या पुट करोगे, वन माइनस एक्स पुट करोगे, क्या पुट करोगे, ए क्या है, ए की वैल्यू वन है ना, कंपेयर करो. देखो जीरो टू ए, व्हाट इज ए, ए हो गया वन. तो यहाँ पे आपका क्या पुट हो जाएगा, वन माइनस एक्स. दैट मीन्स आपको x की जगह पे 1 माइनस एक्स डालना है, x की जगह पे 1 माइनस एक्स. तो आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स. नाउ आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसल. तो आपको आ जाएगा यहाँ पे x रेज टू n, क्या आ जाएगा, x रेज टू n. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये x रेज टू n का मल्टीप्लाई 1 में भी करना है, x रेज टू n का मल्टीप्लाई x में करना है. तो यू विल गेट x रेज टू n, x रेज टू n प्लस 1. और बाद में आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे x रिज टू n का फॉर्मूला लगा के, एंड यू विल गेट दिस इज द फाइनल आंसर. सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा, क्या सजेशन है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x 1 माइनस x रिज टू n dx इज 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2. ये आप इसका आंसर लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है. नाउ ऑब्जेक्टिव का मतलब कैसे पूछा जाएगा, आपको ये एन की जगह दे देंगे 5. अगर ये एन की जगह 5 दे देंगे, पूरा सम सेम रहेगा, तो बस एन की जगह 5 डाल दो, आपका आंसर विद इन अ मिनट आ जाएगा. तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लेट अस डू नेक्स्ट सम. तो आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट सम में सेम रखा है, 0 टू 1 ही है और x की जगह 5 दिया है. और अगर आप x की जगह 5 डायरेक्ट इस शॉर्टकट में डालो, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन व्हाट इज 5 प्लस 1 दैट इज 6, what is 5 plus 2 that is 7, and what is 6 7 ja 42. So 1/42. So jo next sum aap dekh rahe ho my dear students, us question ka answer 1/42 aayega. Aap dekh sakte hain, you will get answer is 1/42. Aur sum kaise karna hai, to sum to humne aapko bata hi diya ki aapko x ki jagah kya put karna hai, aapko is x ki jagah pe 1 minus x put karna hai, x ki jagah pe 1 minus x. ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, x रेज टू 5 आएगा, इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा और इंडिविजुअली इंटीग्रेट. होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 13, इवेलुएट. ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इवेलुएट. तो बोलोगे सर ये सम तो हमने फॉर्मूला में पढ़ा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इस सम को इवेलुएट कैसे करेंगे. तो इंटीग्रेशन ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, विच प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ए टू बी. जब भी आपका इंटीग्रेशन ए टू बी होगा, आपको x की जगह रिप्लेस कर देना है a प्लस बी माइनस एक्स. ओके, ध्यान में रखिए. बट उस ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स डालेंगे, x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स पुट करेंगे. तो आप देख सकते हैं ये x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स, x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स और x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा डाल देंगे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए और बी गेट कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे. तो जब आप ऐड करोगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई इक्वल टू, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई. तो व्हाट इज आई प्लस आई, आई प्लस आई इज 2i. तो यू विल गेट 2i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड. होप दैट आपको समझा होगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर सेम है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. तो डिनोमिनेटर सेम है माय डियर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर. सो जब ये डिनोमिनेटर सेम है, देखो आप डिनोमिनेटर सेम ही दिख रहा है ना, जब ऐड करोगे डिनोमिनेटर सेम है तो आपका क्या ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा. तो न्यूमरेटर ऐड होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए बी, ए प्लस बी माइनस एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे. देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ऐड किया है, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का राइट हैंड साइड, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड और ये इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये ऐड हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया. यू विल गेट 2i इज इंटीग्रेशन ऑफ 1.
नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और एक्स पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वी गेट टू आई इक्वल टू, यहाँ पे टू आई है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट टू आई इज इक्वल टू बी माइनस ए. व्हाट इज आई, आई इज बी माइनस ए बाय टू. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स माय सजेशन इज लर्न दिस फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट पर्पज, इसे आप अपना शॉर्टकट बना लीजिए. व्हाई, बिकॉज ये सब आपको ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादा पूछा जाता है. नाउ ये शॉर्टकट कैसे यूज होगा, तो जब भी आपका ये एफ ऑफ एक्स सेम हो, जब भी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स सेम हो, ओके, और आपका ए टू बी जो लिमिट है उसी के टर्म्स में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो, तो आपका आंसर आ जाता है बी माइनस ए बाय टू. सो ये सम होप दैट आपको समझ में आया होगा. लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 31. अभी अभी हम क्या बात कर रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे वही आप ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. देखो कौन सी चीज की बात कर रहे थे हम अभी अभी इसकी बात कर रहे थे. लेट अस सी, ये हम ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. सो लेट अस सी, ये शॉर्टकट्स को हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट की अभी अभी हम बात कर रहे थे, ये शॉर्टकट को आप ध्यान से देखो, तो एफ ऑफ एक्स सेम होना चाहिए. तो देखो यहाँ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वाई सेम है कि नहीं है, ओके, कंपेयर किया सेम मिला ना, यस सर, तो आपको ये दोनों सेम मिल गया ना. यहाँ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे ए क्या है वन प्लस व्हाट इज बी थ्री माइनस एक्स, तो हो गया फोर माइनस एक्स. ये फोर माइनस एक्स कहाँ आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फोर माइनस एक्स, ध्यान से देखो ये फोर माइनस एक्स आपका कैसे है, ए प्लस बी माइनस एक्स जो है फोर माइनस एक्स हो गया, ये मेरा फोर माइनस एक्स हो गया, तो ये एक्स की जगह पे फोर माइनस एक्स होना चाहिए. तो क्यूब रूट ऑफ नाइन माइनस फोर माइनस एक्स, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे यू विल गेट नाइन माइनस फोर प्लस एक्स, तो क्यूब रूट ऑफ व्हाट इज नाइन माइनस फोर दैट इज फाइव, तो क्यूब रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स, आप देख सकते हैं आपका क्यूब रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स ही है. तो ये टाइप के सम है माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये आपका वेरीफाई होगा कि ये टाइप का सम है, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया तो आंसर आएगा बी माइनस ए दैट इज थ्री माइनस वन बाय टू, टू बाय टू वन. तो इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए आपको पता चल गया कि वन आना चाहिए. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व एंड वेरीफाई कि आंसर क्या आता है. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. ये टाइप का सम बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स फोर मार्क्स के लिए. स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लेट आई और उसको दे दो इक्वेशन नंबर वन. अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है यूजिंग प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई माय डियर स्टूडेंट्स लेट अस सी. सो यहाँ पे x a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब हुआ वन प्लस थ्री माइनस एक्स दैट मीन्स फोर माइनस एक्स, डू यू गेटिंग मी. तो आप x की जगह पे क्या लिखोगे, आप x को रिप्लेस करोगे फोर माइनस एक्स से, तो आपका इक्वेशन नंबर वन क्या हो जाएगा, I इज इंटीग्रेशन a टू बी मतलब वन टू थ्री, वन टू थ्री क्यूब रूट ऑफ x की जगह पे क्या आएगा फोर माइनस एक्स, फोर माइनस एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ फोर माइनस सॉरी x की जगह पे फोर माइनस एक्स प्लस फाइव है ना, तो फोर माइनस एक्स प्लस फाइव, ओके, सिमिलरली फोर माइनस एक्स प्लस फाइव प्लस क्यूब रूट ऑफ नाइन माइनस ब्रैकेट में फोर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे आपको लिखना है फोर माइनस एक्स, जहां भी एक्स है वहां पे आपको फोर माइनस एक्स लिखना है. और ये फोर माइनस एक्स कैसे आया, ये फोर माइनस एक्स आया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स दैट इज फोर माइनस एक्स. तो ये फोर माइनस एक्स आपको एक्स की जगह पे लिखना है, इतना ध्यान में रखो, ऐसे सम की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो. नाउ लेट अस कंटिन्यू. Hmm.
फिर दिस इज इक्वेशन नंबर सॉरी इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 2 3 क्यूब रूट ऑफ व्हाट इज 4 प्लस 5 इज 9 माइनस एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 में से 4 गया 5 प्लस एक्स बिकॉज माइनस माइनस प्लस, होप दैट आपको समझा होगा. गिव दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 में ये x प्लस 5 जो है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 रिपीट हुआ था और क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x इंडिविजुअल था, अकेला था. जब हमने प्रॉपर्टी यूज किया तो हमें क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x रिपीट मिल गया और x प्लस 5 जो है वो अकेला पड़ा हुआ है. इस तरह के सारे सम में ऐसे ही होगा. उसके बाद आपको क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2. तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी i है और 2 के भी लेफ्ट हैंड साइड में i है, तो i प्लस i क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2i. सो वी गेट 2i इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, 1 2 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 2 3 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 2 3 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 dx. आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया. इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड ये था जो क्वेश्चन में दिया था और ये हमारा इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है. तो ये दोनों हमने क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ऐड कर दिया. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वी गेट 2i इज इंटीग्रेशन 1 2 3 अपॉन, चलो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या है डिनोमिनेटर, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x. नाउ व्हाट इज द न्यूमरेटर पार्ट, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये ऐड हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है. तो न्यूमरेटर में आएगा क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x, दिस गेट कैंसल. तो वी गेट 2i इज इंटीग्रेशन 1 2 3 1 dx. सो व्हाट इज 2i, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, दैट इज 1 2 3. तो वी गेट 2i इज 3 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो व्हाट इज i, i इज 2i इज 3 माइनस 1 इज 2, सो व्हाट इज i, 2 अपॉन 2, सो i की वैल्यू आ गई 1. इज दिस क्लियर, सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझा होगा. लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू 1 log ऑफ 1 बाय x माइनस 1. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, हाउ टू डू इट. तो यहाँ पे आप 1 के अपॉन में 1 ले लो और एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो वी गेट log ऑफ 1 माइनस x अपॉन x, देख सकते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, क्या यूज करोगे, वही सेम इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इज इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx. तो व्हाट इज ए, यहाँ पे a के जगह पे 1 है तो आपका आ जाएगा 1 माइनस x, क्या आ जाएगा 1 माइनस x. तो आप देख सकते हैं जहां पे भी x लिखा है वहां पे आपको 1 माइनस x लिखना है, देख सकते हैं 1 माइनस x 1 माइनस x. जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे 1 1 गेट कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो यू विल गेट इक्वेशन नंबर 2. नाउ आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है. तो व्हाट इज i प्लस i, i प्लस i इज 2i. तो 2i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, दोनों साइड का राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा. नाउ व्हाट वी विल गेट, log a प्लस log b. व्हाट इज log a प्लस log b, दैट इज log a इनटू b. व्हाट इज log a प्लस log b, दैट इज log a b. x x गेट कैंसल, 1 माइनस x गेट कैंसल, तो यू विल गेट log 1. एंड व्हाट इज log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0, दैट इज 0. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज i इक्वल टू 0. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, डू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस सम.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सम, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने टोटल 32 सम्स आपको इस चैप्टर में कराया। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये ऑल 32 सम्स इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सम्स हमने इस सेशन में कवर किए। होप दैट आपको ये ऑल 32 सम्स अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।